नमस्कार दोस्तों, ऑल फार्मिंग आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे लहसुन को घर पे कैसे उगाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ऐसा एक कंटेनर, दूसरा हमें चाहिए कोकोपीट या फिर मिट्टी, और इसके अलावा अच्छी लहसुन की कलियाँ, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं मैंने मेरे इस वीडियो के लिए बड़े वाले लिए हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस कलियों को तोड़ लेंगे, इसके हर सीड को अलग कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद अब हम इस कंटेनर के अंदर कोकोपीट डालेंगे। आप देख सकते हैं कोकोपीट डाल रहा हूँ मैं। यहाँ दोस्तों, हमने ये पूरा भर लिया है। अब हम कोकोपीट डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे खाद। मैं यहाँ गोबर से बनी हुई खाद डाल रहा हूँ, जो यहाँ आप देख सकते हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा नहीं डालनी है। इसके अंदर जो थोड़ा कचरा जैसे, लकड़ी जैसे लग रहा है, वो सब हम निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा फैला देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हम पहले डालेंगे इसके अंदर पानी। अब आप जितना बड़ा कंटेनर लेंगे उतना पानी इसको चाहिए। ये अच्छी तरह से भीग जाए ऐसा रखना है, और कीचड़ जैसा नहीं करना है। सभी साइड पर पानी डालना है, कोकोपीट पीट के अंदर सब पानी चला जाएगा। इसे दोस्तों हमें 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे पानी पूरी तरह अंदर मिल जाए, जिससे खाद में पानी चला जाए और वो थोड़ा भीग जाए, और कोकोपीट में भी पानी चला जाए। दोस्तों, अब पानी अच्छी तरह मिल गया तो हम आगे लहसुन को अंदर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लहसुन की अच्छी वाली बड़े वाली कलियाँ लीजिएगा, इससे क्या लंबा और अच्छा लहसुन होगा। और देखिए, मैं ज़्यादा स्पेस नहीं रख रहा हूँ दो कलियों के बीच। दो कलियों के बीच एक तीसरी कली के लिए जगह छोड़ रहा हूँ मैं। इसी तरह पूरे कंटेनर में हम ये लहसुन की कलियाँ लगा देंगे। दोस्तों, हमारे लहसुन बोने का हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम 3 से 5 दिनों तक राह देखेंगे इसके अंदर से नए नए अंकुर बाहर आने लगे। और दोस्तों, 15 से 20 दिनों में ये 1 फीट तक लंबे हो जाएंगे। इसे हमें अच्छी सी 3 से 4 घंटे की कम से कम सीधी धूप आती हो ऐसी जगह पे रखना है। अब दोस्तों, हम 3 से 4 दिन राह देखेंगे। दोस्तों, आज 5वां दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अंकुर बाहर निकल चुके हैं। इसके छिलके मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। अगर छिलका ना निकले तो इसे ज़्यादा ज़ोर से खींचे ना। दोस्तों, हमारी किचन के लिए यूज़ करने लायक ये दूसरे 10-15 दिनों में हो जाएंगे। तब तक हम राह देखेंगे। दोस्तों देखिए, ये 15 दिन के बाद 1 फीट तक लंबे हो गए। अब इसकी जो लंबी लंबी पत्तियां हैं वो हम तोड़कर एक एक तोड़ेंगे और इसका किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरी इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें। धन्यवाद।